नमस्कार। 2023 विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और तीन राज्यों का ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि महागठबंधन का ऐलान हो चुका है और ऐसे में विधानसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 2018 में यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी को 107 सीटें, कांग्रेस को 114, अन्य के पक्ष में 9 सीटों पर जीत मिली थी और राजस्थान में यहाँ 73 सीटें बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस को 100 सीटें, अन्य के पक्ष में 26 सीटें। छत्तीसगढ़ में यहाँ बीजेपी को 16 सीटें, कांग्रेस को 65 और अन्य के पक्ष में 9 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मौका यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी मांग रहे हैं और ऐसे में उनका पलड़ा क्या होगा भारी, क्योंकि कई बड़ी योजनाएं और जिसका से बिजली बिल हो या अन्य योजनाओं को लेकर अब चुनावी मैदान में केजरीवाल उतर चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तेलंगाना में यहाँ आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि कर्नाटक में भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर तीन राज्य काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि इन राज्यों के लेकर लोकसभा चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर ज्यादा सीटें हासिल की थी। तो अगर बात की जाए वर्तमान में दो राज्यों में कांग्रेस, एक राज्य में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती है, मध्य प्रदेश 29 और राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, इसलिए इन तीनों राज्यों पर काफी फोकस है और बड़ी बड़ी पार्टी अब चुनावी मैदान में, चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि काफी हलचल मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी है और जिसका से अब बड़े बड़े नेता यहाँ बीजेपी में शामिल हैं और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। कमलनाथ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस से हो सकते हैं, जिसका की खबर है और 5 बड़ी गारंटियों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर गई है, जिसमें बिजली बिल की बात की गई है, यहाँ पर बात की जाए किसान कर्ज माफी और अगर बात की जाए तो 500 रुपए सिलेंडर और 1500 रुपए प्रति माह यहाँ महिलाओं को देने का वादा यहाँ कांग्रेस कर रही है और जिसका से यहाँ पर अब बीजेपी भी बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही है, जिसमें लाली बहना योजना एक बड़ी योजना है। इसमें यहाँ पर पात्र महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिलने शुरू हो चुके हैं, तो इस योजना का महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर 1500 रुपए देने का वादा यहाँ पर किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस अब चुनावी मैदान में उठ चुकी है और किसान कर्ज माफी को लेकर भी अब कांग्रेस यहाँ पर जो है 5 गारंटी में रख रही है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर खबर है कि कई ऐसे बड़े यहाँ पर नेता है जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जिसका से यहाँ पर 2018 में 25 से ज्यादा बड़े विधायक और मंत्री जो थे वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं, तो क्या टिकट इन्हीं को बीजेपी देगी या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में क्या सियासी आंकड़ा, क्या सियासी पारा चढ़ चुका है, जिसका से अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसमें अगर बात की जाए तो कौन बाजी मारेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस हो या बीजेपी अब पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी करीब 100 से 130 सीटों तक पहुंच सकती है, वही कांग्रेस यहाँ 100 से 110 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, यानी कि बात की जाए तो 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में यहाँ पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी यहाँ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जिसका से आप कांग्रेस ने 5 गारंटी योजना जो रखी है उसके बाद आंकड़ा पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन कौन यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा होगा, किसे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी 90 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ये दावा करी कि छत्तीसगढ़ में भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार का माहौल बना है, जिस कार से कांग्रेस ने दावा किया है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में वो वापसी करेंगे, तो छत्तीसगढ़ को लेकर जो 90 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 2023 सर्वे में कांग्रेस को 44% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी को 43% और अन्य की बात की जाए तो 13% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ 47 से 52 सीटें मिल सकती है, बीजेपी 34 से 39 सीट
राजस्थान की बात की जाए तो 1 से 5 सीट जा सकती है। यदि छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव होता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल सकती है, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर तो राजस्थान में भी हर 5 साल में सत्ता बदलती है, जिस कारण से अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर आपसी जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, और ऐसे में जिस कारण से अब कांग्रेस में फूट है उसका नुकसान उनको पंजाब में भी देखने को मिला था। और हर साल में यहाँ सत्ता बदलती, इस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2023 की तैयारी में कौन किस पर भारी है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण राजस्थान होता है, और ऐसे में राजस्थान के लिए क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने 500 रुपए सिलेंडर की बात की है, उसके बाद मोबाइल देने की भी बात की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अन्य योजना जो फ्री की योजना है उनका कितना फायदा जनता को मिलेगा, उस हिसाब से कौन किस पर भारी होगा, ये राजस्थान को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन बन सकता है, कौन के नेतृत्व में चुनाव कौन लड़ेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब 110 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, कांग्रेस 70 से 80 सीटों के आसपास, आरएलपी यहाँ पर 14 सीट की बात की जाए 6 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए राजस्थान में फिलहाल बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और जिस कारण से यहाँ पर आपसी तनाव है उसका भी फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस कड़ी टक्कर यहाँ देती नजर आ रही है। वही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लगातार बात की जाए तो तीनों राज्यों में कांटे की टक्कर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी, और तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में और बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी और बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी ये जनता ही तय करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।